Hello everyone, welcome to you all to Y Academy. You know that we are going to the practice of the question answers for the Shahu screening test. Now today we are going to learn some extra points of the question answers on the topic metals and non-metals. So let's start the question number one for the metal and non-metal. Now जब पढ़ाते वक्त अगर जिस तरह का question आएगा ना, अगर वहाँ पे कुछ concepts होंगे जो आपको समझाने होंगे तो मैं उसी question में आपको वो concept clear कर दूंगा. सो डोंट वरी, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके उसके अंदर जो भी की पॉइंट्स आएंगे वो वहीं पे मैं एक्सप्लेन कर सकूं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल्स इज विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ द क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ फॉलोइंग. आपको चार ऑप्शन दिए हैं, कुछ मेटल्स के नाम दिए हैं, पूछा है कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपको बताना है. ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर वन कॉपर, ऑप्शन नंबर टू सोडियम, ऑप्शन नंबर थ्री कैल्शियम एंड ऑप्शन नंबर फोर आयरन Fe. राइट, दिस आर द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, Cu फॉर कॉपर, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम एंड Fe फॉर आयरन. अब ये जो सिंबल्स दिए हैं ना एट एलिमेंट्स, ये सिंबल्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये एक सिस्टम है जो क्या करती है, इन कंपाउंड्स को, इन एलिमेंट्स को जो है, या फिर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको, उनका नॉमेनक्लेचर करती है, उनको नेम्स देती है, उनको सिंबल्स देती है. ठीक है, अभी कुछ एलिमेंट को सिंबल देते वक्त ना कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए थे कि सपोज एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को क्या किया था उन्होंने, हाइड्रोजन के लिए उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर यूज किया था हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन. अगर बात आई अब सेकंड एलिमेंट था हेलियम, अगर हेलियम के लिए भी वो सिर्फ एच लेते तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता, तो सेकंड रूल क्या बनाया कि हेलियम के लिए एक फर्स्ट कैपिटल लो और दूसरा एक स्मॉल ले लो. डिफरेंस समझ में आया कि कौन सा हाइड्रोजन है और कौन सा हेलियम है. अब कुछ केस में क्या हो गया, कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन ये एलिमेंट का सिंबल क्या है आपको पता है, Cl. अब यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल लेटर है और थर्ड स्मॉल लेटर लिया है, ना कि CH लिया है, Cl लिया है उन्होंने. इस तरह से कुछ थर्ड रूल बना कि पहला फर्स्ट लेटर कैपिटल लो, दूसरा तीसरा थर्ड लेटर स्मॉल लो. और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं प्रैक्टिकल में जिनका उनके नाम में कोई लेटर नहीं है, जैसे कि सोडियम है. अब सोडियम का सिंबल क्या है, Na है, उसके नाम में कहीं पे N भी नहीं है और A भी नहीं है, बट एक स्पेशल सिंबल दिया गया उसको Na. इस तरह से ये एक रूल है जो कि IUPAC असाइन करती है, उन्होंने इस एलिमेंट्स को इस तरह से सिंबल दिए. तो कुछ को फर्स्ट लेटर होता है, कुछ को फर्स्ट लेटर के साथ में उनका सेकंड लेटर होता है, कुछ जगह पे फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर होता है, और कुछ जगह पे कुछ स्पेशल सिंबल्स दिए जाते हैं एलिमेंट्स को. इस तरह से ये सिंबल्स हैं, आपको हर एलिमेंट के सिंबल्स याद करने पड़ते हैं. सो द फर्स्ट इज कॉपर सोडियम कैल्शियम आयरन. अभी पूछ रहा विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. नाउ इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले पता होने चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है. एलिमेंट्स जब रिएक्ट होते हैं ना तो क्या होता है, उनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज देखी जाती है मेटल्स की, कि कौन सा मेटल फास्ट रिएक्ट होता है और कौन सा मेटल स्लो रिएक्ट होता है. अब उसके अंदर जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी. मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूँ. सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आए बेरियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, निकेल का सिंबल Ni, देन टिन, लीड Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड. गोल्ड जो है सबसे नीचे है, ये वाला है गोल्ड. Au means गोल्ड, दिस Ag means सिल्वर, Hg means मर्क्यूरी. ये सिंबल्स हैं कुछ मेटल्स के. ठीक है, ये होता है लीड, दिस इज टिन, दिस इज निकेल, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम एंड द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज द पोटेशियम. क्योंकि उसकी मेटल्स के अंदर जो पोटेशियम आएगा ना उसकी साइज ज्यादा बड़ी है तो वो जल्दी रिएक्ट होता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. और हाँ, ये भी याद रखो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो रिएक्शन के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर डिपेंड होती है. तो पोटेशियम जो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. अभी आपको देखो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, इनमें जो ऊपर की तरफ एलिमेंट्स है ना वो मोस्ट रिएक्टिव है. ठीक है, मतलब
जो ऊपर साइड है वो मोस्ट रिएक्टिव, जो नीचे है वो लीस रिएक्टिव। बॉर्डर लाइन पकड़ लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स है ना, ये तो बहुत ही रेयर केस, मतलब रिएक्टिव नहीं होते जल्दी, ठीक है, नो रिएक्शन, ये लोग रिएक्शन नहीं देते हैं। जैसे कि कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इनके ऊपर कुछ रिएक्शन नहीं होता, वाटर का, एसिड का, गैस का, तो ये लोग तो रिएक्शन नहीं देते हैं हाइड्रोजन के नीचे वाले। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं ये सब लोग क्या करते हैं, रिएक्शन। अब इसमें भी अपने जो एलिमेंट्स हैं वो देखो क्या है, एक दिया है कॉपर, मैंने अभी बोला कॉपर तो रिएक्शन देता ही नहीं, तो ये मोस्ट रिएक्टिव में तो आएगा ही नहीं, पहला ऑप्शन तो यही कट गया। दूसरा है सोडियम, अच्छा सोडियम यहाँ पर है। तीसरा है कैल्शियम, ये वाला कैल्शियम, और एक है आयरन। अब मैंने अभी बोला आपको कि जो ऊपर की तरफ सबसे पहले आएगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। अगर आयरन की बात करेंगे तो आयरन के ऊपर क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम आयरन से ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, और कैल्शियम के ऊपर कौन है, सोडियम, तो सोडियम जो है रिएक्शन में सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज द सोडियम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको ये लिख कर लेना है तो लिख कर ले लीजिए, और इसको आपको याद करना पड़ेगा। इस रिएक्टिविटी सीरीज पे आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं उस रिएक्टिविटी सीरीज को वहीं पे रखता हूँ, आप लिख लो, और इस यही आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलेबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, क्वेश्चन नंबर टू, मेलेबिलिटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, मेलेबिलिटी किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है पूछ रहा है आपको। ऑप्शन वन इज सिल्वर, दैट इज Ag, ऑप्शन टू इज मर्क्यूरी HG, देन प्लास्टिक एंड लास्ट ऑप्शन दैट इज पोटेशियम के। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मेलेबिलिटी ये एक मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किसकी, मेटल्स की। अब मेलेबिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी मीन्स किसी मेटल को अगर आप हैमर को, हैमर के थ्रू अगर उसके ऊपर बीट करेंगे ना, तो उसकी आप थिन शीट बना सकते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेलेबिलिटी। दैट इज द मेटल्स कैन बी बीटन बाय अ हैमर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट, इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी होती है सिर्फ मेटल के पास। जैसे कि अगर मेरे पास एक आयरन है, आयरन के ऊपर मैं क्या हैमर के थ्रू मार के उसकी शीट बना सकते हैं अपन, उसको बीट करके। बट अगर ग्लास की बात करेंगे तो ग्लास के ऊपर जैसे ही हैमर से मारेंगे वो ब्रेक हो जाएगा, दैट इज अ ब्रिटल, वो टूट जाएगा, तो वो जो है मेटल के अंदर नहीं आएगा। बट दिस मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो मेटल। अब आपको ऑप्शन दिए सिल्वर, मर्क्यूरी, प्लास्टिक, पोटेशियम। प्लास्टिक तो आएगा ही नहीं, अपने को पता है, पोटेशियम रहा, मर्क्यूरी रहा, सिल्वर। अब इसमें से जो मेलेबिलिटी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, मतलब आप इसकी शीट बना सकते हो ना, वो आएगा आंसर सिल्वर, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो तो लिक्विड स्टेट में आएगा, है ना, रूम टेम्परेचर पे होता है लिक्विड। पोटेशियम भी नहीं आएगा क्योंकि वो ब्रिटल है, तो आएगा आंसर आपका मर्क्यूरी, ऑप्शन ए विल राइट आंसर, ठीक है। अच्छा मैं आपको यहीं पे ना बताते जाता हूँ कि ये जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं ना, मैं आपको शॉर्ट इनके कुछ प्रॉपर्टीज और इनके कुछ डिफरेंस बताता हूँ, ताकि आपका ये पॉइंट यहीं पे कवर हो जाए। ये है मेटल्स और ये है नॉन मेटल्स, ओके। अब अगर बात करेंगे सबसे पहले तो मेटल्स वो हार्ड होते हैं, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि इतने सॉफ्ट हैं। एक्सेप्शन क्या होते हैं कि वो थोड़ा सा हटके बिहेव करते हैं। अब मेटल की प्रॉपर्टी एक्चुअल में है कि मेटल्स आर हार्ड, बट ये जो सोडियम और पोटेशियम है वो इतने सॉफ्ट हैं कि वो नाइफ के थ्रू कट भी किए जा सकते हैं, इतने सॉफ्ट हैं। तो ये मैं एक्सेप्शन यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ, ये एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, अब यहाँ पे एक्सेप्शन है एक्सेप्ट डायमंड, जो कि सबसे हार्ड है, टूटता ही नहीं है, राइट, द हार्डेस्ट मटेरियल बोलते हैं डायमंड को, ये एक्सेप्शन है उसका। मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। सेकंड पॉइंट अगर देखेंगे तो मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब मेटल्स जो है शाइन करते हैं, शाइनी, लस्ट्रस और शाइनी। वही बात करेंगे नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ये शाइन नहीं करते हैं, सो दीज आर द नॉन लस्ट्रस। अब बात करेंगे मेटल्स आर, इनकी अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वही अगर नॉन मेटल की बात करेंगे तो ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है, दीज आर द बैड कंडक्टर्स बोल सकते हैं अपन। तो ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। आगे अगर बात करेंगे इनके फिजिकल स्टेट के बारे में, अगर देखेंगे ना फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स में जो मेटल्स वो जनरली सॉलिड स्टेट में आते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो है वो होता है लिक्विड, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, HG, मर्क्यूरी जो लिक्विड स्टेट में होता है।
अब अगर बात करेंगे इधर नॉन मेटल्स के बारे में, तो सॉलिड्स में भी आते हैं, लिक्विड्स में भी आते हैं और गैस में भी आते हैं। जैसे कि सॉलिड में अगर बात करेंगे तो कार्बन होता है, लिक्विड में बात करेंगे तो फिर ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है लिक्विड होता है, और गैसेस में ऑक्सीजन गैस आ गया, नाइट्रोजन गैस आ गया, ये सब गैसेस वगैरह हैं। तो ये तीनों स्टेट में नॉन मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिजिकल स्टेट हो गया, हाँ मेलेबिलिटी लेते हैं, मेटल्स जो है मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि इनकी तीन शीट आप लोग बना सकते हो, नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। मेटल्स जो है डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, डक्टिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी, कि मेटल्स की जो है आप एक थिन वायर के फॉर्म में फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि कॉपर का वायर है, ये मेटल है ना, तो कॉपर्स की आप इस तरह से एक थिन वायर फॉर्म कर सकते हो, दैट इज द प्रॉपर्टी, उसी को बोलेंगे डक्टिलिटी। ओके, नाउ ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल के पास नहीं होती है, राइट। अब इसी तरह अगर बात करेंगे अपन, ये टोटल प्रॉपर्टीज कितने हो गए अपने, हार्डनेस सेकेंड वन, द लस्टर्स एंड द थर्ड वन, गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन फिजिकल स्टेट, देन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब इसके बाद अगर देखेंगे अपन तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपनी सोनोरिटी। सोनोरिटी मीन्स मेटल्स के ऊपर अगर आप बीट करोगे, मारोगे ना, तो उनका रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि स्कूल बेल होती है ना, उसी तरह रिंगिंग साउंड वो मेटल्स की होती है ना, लकड़ी की तो रिंगिंग बेल नहीं होती है। तो मेटल्स जो है वो सोनोरिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो कि रिंगिंग बेल का साउंड करते हैं। नॉन मेटल्स के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, सो दीज आर नॉट सोनोरस, इस तरह से बोल सकते हो। और कौन सी प्रॉपर्टी बची है इसके अंदर, एक आता है कलर वाली प्रॉपर्टी, मेटल्स जनरली शो ग्रे कलर, राइट, और सिल्वर कलर, जैसे कि और एक्सेप्ट है गोल्ड, जिस गोल्डन कलर आता है। नॉन मेटल्स जो है वो जनरली कलरलेस होते हैं, बट ब्रोमीन एक है जो कलर ब्राउन लिक्विड है, ठीक है, ब्राउनिश कलर का कलर शो करता है। इस तरह से कलर की एक प्रॉपर्टी आ गई। और अगर प्रॉपर्टी कौन सी है तो हाँ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर देखेंगे तो मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई आता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। और अगर नॉन मेटल की बात करेंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। एक पॉइंट और एक है डेंसिटीज के बारे में, मेटल की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, मोर डेंसिटी, एंड दे आर हैविंग लेस डेंसिटी, इस तरह से एक पॉइंट होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज और मेटल नॉन मेटल के डिफरेंसेस है जो आपको पता चाहिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पीरियोडिक टेबल है ना अपना, मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है पीरियोडिक टेबल, तो इस तरह की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरह से LHS, यहाँ होते हैं मेटल्स। सो पोजीशन की अगर बात करेंगे तो पोजीशन ऑफ द मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल इज एट द लेफ्ट हैंड साइड, बीच में आते हैं यहाँ पे मेटालॉइड्स, ये आते हैं मेटालॉइड्स इन द सेंटर। ये मेटालॉइड्स जो है मेटल की तरह भी ऐड करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी ऐड करते हैं, और यहाँ पर जो बच रहा है ना ये वाला डॉटेड, ये है आपके नॉन मेटल। जनरली मेटल्स आर फोर टाइम्स देन द नॉन मेटल्स, ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड में आते हैं आपके नॉन मेटल्स। तो इस तरह से याद रखो कि मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में है और नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड में है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है मेटल्स के, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो जनरली सॉलिड होते हैं वो, मेटल्स हैव मेलेबिलिटी, मेटल्स हैव डक्टिलिटी, मेटल्स हैव सोनोरिटी, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज है मेटल्स के, और इस अपोजिट इधर आएंगे तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपको देखने के मिलेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने इन शॉर्ट आपको टोटल 10-12 प्रॉपर्टी दिखा दिए हैं यहाँ पे। तो अभी आपके इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इजीली कवर हो सकते हैं। चलो तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड इज, ऑप्शन दिए एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी बेसिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी न्यूट्रल ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अच्छा, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको समझ के लेना है पहले। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है, अब इसके पहले बात आती है कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मेटल और नॉन मेटल इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अब सपोज अपन लेते हैं पहले एक मेटल,
जैसे कि मैं लेता हूँ मैग्नीशियम लेता हूँ, ठीक है, मैग्नीशियम एक मेटल है, दिस इज अ मेटल। ध्यान देना ठीक है कि मेटल जो है से टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, आपको पता है। अब पहले समझाता हूँ ऑक्साइड मतलब क्या। इसके पहले भी मैंने बोला था, अगर कोई एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो बनाता है ऑक्साइड। उन प्रोडक्ट्स को क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। अगर कोई एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है या फिर कंपाउंड्स बना रहा है सपोज कार्बन के साथ, तो उसको बोलेंगे कार्बाइड्स। इफ एनी एलिमेंट्स इन फॉर्मिंग कंपाउंड्स विद सल्फर दे आर कॉल्ड एज सल्फाइड्स। और अगर कोई एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है नाइट्रोजन के साथ दे आर कॉल्ड एज नाइट्राइड्स। राइट, अब अपने को देखना है ऑक्साइड्स के बारे में कि ऑक्साइड्स क्या है। तो इसमें सिंपल क्या हुआ होगा, कोई तो एक एलिमेंट कंबाइन हुआ होगा ऑक्सीजन के साथ। अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म क्या बनाएगा। अभी कैसे बनते हैं कंपाउंड्स, आपको फॉर्मूला पता है कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम की वैलेंसी आती है कितनी, मैग्नीशियम ऑलवेज फॉर्म एम जी डाई पॉजिटिव, सो वैलेंसी विल बी 2। ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म एम जी सॉरी ओ माइनस माइनस, उसकी वैलेंसी आ गई 2। अभी करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दोनों की वैलेंसी सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एम जी ओ मैग्नेशियम मैग्नेशियम ऑक्साइड। राइट, मैग्नेशियम ऑक्साइड। अब यही मैग्नेशियम ऑक्साइड के ऊपर सपोज इसको और एक बोल सकते हैं अपन मेटल का ऑक्साइड। राइट, मेटल रिएक्ट हो रहा है ना, तो मेटल का क्या है, ये ऑक्साइड है, इज मेटल ऑक्साइड। अब अगर मैं इस मेटल ऑक्साइड के ऊपर अगर पानी डालूंगा, ठीक है, अगर वाटर ऐड करूंगा मेटल ऑक्साइड पे, तो वो क्या बनाएगा, अभी ध्यान देना ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इट इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना है और कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म करना है आपको। सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, तो पुराने बॉन्ड ब्रेक करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को ब्रेक करो, तो क्या निकलेगा, एम जी प्लस प्लस ओ माइनस माइनस। वाटर मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक करोगे तो क्या निकलेगा, एच प्लस ओ एच माइनस। राइट, अभी देखो क्या होगा, सिंपली इस कंपाउंड का जो पॉजिटिव वाले रेडिकल्स है वो पॉजिटिव रेडिकल कहाँ जाएगा, दूसरे कंपाउंड के निगेटिव के पास। अभी एक एम जी के लिए इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक ओ एच माइनस उसको चलेगा क्या, नहीं चलेगा, उसको दो ओ एच माइनस लगेंगे। तो यहाँ पे अपन मॉलिक्यूल बढ़ाते हैं इसके, ठीक है, टू एच प्लस टू ओ एच माइनस। नाउ एम जी विल कंबाइन विथ टू ओ एच माइनस, सो द प्रोडक्ट विल बी एम जी ओ एच टेकन ट्वाइस प्लस, बाहर क्या निकलेगा वापस से, एच टू ओ, वाटर थोड़ा सा बचेगा। अपन देखते हैं प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं अपन। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया ना यहाँ पे, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो प्रोडक्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर ओ एच माइनस वाले आयन हैं, तो जनरली इसको क्या बोलते हैं अपन, बेस। राइट, ये एक बेस है, एसिड होता तो एच प्लस होते, बट यहाँ पे ओ एच माइनस है तो ये क्या है, एक बेस है। अब ये जो बेस बना है कैसे बना है, जब मेटल मेटल कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ और बनाया मेटल ऑक्साइड, और अगर इस मेटल ऑक्साइड पे वाटर गिरा तो उसने क्या बनाया, बेस बना दिया इस तरह से, ठीक है, तो ये बन गया बेस। सो दिस मेटल व्हेन कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड देन रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म अ बेस, फाइनली दे फॉर्म अ बेस। तो इस मेटल के ऑक्साइड को अपन और एक नाम क्या दे सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि ये एंड में क्या बना रहा है, बेस बना रहा है, इसलिए इसको और एक नाम क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उन मेटल्स के ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स भी बोल सकते हो। ये तो होगा मेटल के बारे में। अभी सोचो, अपने को जो एक क्वेश्चन दिया है ना, उसमें जो सल्फर है, क्या ये सल्फर मेटल है, नो इट इज नॉट अ मेटल। तो सल्फर जो है एक नॉन मेटल है। अब देखते हैं नॉन मेटल कैसे रिएक्ट होगा, ये अगर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल क्या करता है इसके अंदर, ठीक है। ओके, नाउ दिस सल्फर एक नॉन मेटल, दिस नॉन मेटल व्हेन कंबाइन विथ ऑक्सीजन ये क्या बनाएगा, सिंपली सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा इस तरह से, एस प्लस, इसको दो मॉलिक्यूल लगते हैं, एस प्लस एसओ टू, तो ये बन गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर जो है नॉन मेटल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। अगर इस एसओ टू के ऊपर अभी हम पानी डालेंगे ना, तो ये क्या बनाता है, यहाँ पे एच टू एसओ थ्री बनाता है, मतलब सल्फ्यूरस
एसिड बनाता है, अब इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। नाउ लिसन केयरफुली, जब नॉन मेटल का ऑक्साइड बना, नॉन मेटल के ऑक्साइड ने फाइनली क्या दिया आपको? एसिड दिया। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड को और एक नाम क्या दिया जाएगा? एसिडिक ऑक्साइड। तो अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड इज अ, तो आंसर क्या आएगा आपका? करेक्ट आंसर विल बी सल्फर डाइऑक्साइड इज फाइनली गिविंग एसिड, सो इट इज कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। अभी मैं आपको इन शॉर्ट एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड का थोड़ा सा डिफरेंस समझाता हूँ। अगर बात करेंगे एसिडिक ऑक्साइड की और बेसिक ऑक्साइड की, तो एसिडिक ऑक्साइड जो है वो जनरली कौन बनाते हैं? अभी जस्ट देखा अपन ने, वो नॉन मेटल्स बनाते हैं, और बेसिक ऑक्साइड जनरली मेटल्स बनाते हैं, राइट? एसिडिक ऑक्साइड का अगर आप डाइल्यूशन करोगे, मीन्स एडिशन ऑफ वाटर करोगे, तो फाइनली वो क्या देंगे? एसिड्स देंगे। और बेसिक ऑक्साइड्स का अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो वो फाइनली क्या देंगे आपको? बेस देंगे, राइट? अगर एसिडिक ऑक्साइड के अंदर जो एसिड्स मिल रहा है ना आपको, उसमें अगर आप लिटमस पेपर डालोगे, लिटमस पेपर कहाँ से कहाँ शो करेगा? ब्लू टू रेड कलर शो करेगा, और इस केस में रेड टू ब्लू कलर शो करेगा, राइट? लिटमस पेपर का। और आखिरी पॉइंट लेते हैं एग्जाम्पल्स का, तो ऐसे कौन से ऑक्साइड्स हैं जो नॉन मेटल से बने होते हैं? कौन से हैं? जैसे कि SO2 है जो अभी आपने क्वेश्चन में दिया है, CO2 है, राइट, NO2 है, इस तरह के हैं। और बेसिक ऑक्साइड्स के अगर एग्जाम्पल लेने की बात करेंगे तो मेटल्स के ऑक्साइड, जैसे कि मैंने अभी बताया था, MgO है मेटल ऑक्साइड, CaO है, Na2O है, K2O, दीज ऑल आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स। आप चाहो तो इसको एक बार लिख लो इस तरह से, स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स। तो इस तरह के अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने आपका डिफरेंस वाला पॉइंट यहाँ पे कवर किया है। अभी आपको आगे इस तरह के क्वेश्चंस इनके ऊपर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं जहाँ पे क्वेश्चन जैसे आ रहा है वहाँ पे उसका पूरा बेसिक पॉइंट कवर कर रहा हूँ, ताकि बार बार मुझे बताने की जरूरत ना पड़े और अपन फटाफट आगे चल सकते हैं, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल पूछ रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की? प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कौन सी है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर वन इज लो मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टिविटी ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो डेंसिटी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है? ऑप्शन ए लो मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टिविटी। अपन ने अभी डिफरेंस देखा है नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इज लो डेंसिटीज, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। सो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो एक बार, जितने भी आपने डिफरेंस देखा अभी मेटल नॉन मेटल के बीच में, तो नॉन मेटल्स जो है वो, उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, उनके जो कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे हैव लो डेंसिटीज। सो करेक्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ दीज। सो दिस आंसर विल बी राइट आंसर, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगर यही प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की पूछता तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई डेंसिटीज, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द नॉन मेटल्स हैविंग शाइनिंग सरफेस इज, पूछ रहा है कौन सा नॉन मेटल है जो शाइनी सरफेस वाला है। अब जनरली जो होते हैं नॉन मेटल, वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब डल होते हैं, उनका कलर जो होता है वो डल होता है। बट आपको पूछ रहा है कौन सा नॉन मेटल है जो शाइन करता है। पहला वाला दिया है ऑप्शन कार्बन, सेकेंड वन सल्फर, थर्ड वन आयोडीन, एंड लास्ट वन फॉस्फरस। अगर आप देखोगे ना तो इन चारों में से जो नॉन मेटल है जो कि शाइनी सरफेस वाला होता है वो होता है आयोडीन। सो राइट आंसर विल बी आयोडीन। ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा, आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग अ शाइनी सरफेस। ओके, देन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन, कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स CO इज एन
ऑप्शंस आर एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड, देन ऑप्शन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। भी जस्ट अपन एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड की डिफरेंस देखा, बट अभी मैंने आपको वहां पे सिर्फ दो बताए थे, अभी यहाँ पे दो ऑप्शन एक्स्ट्रा हैं। ये वाला क्या है, एम्फोटेरिक, मीन्स कुछ ऐसे ऑक्साइड्स भी हैं जो मेटल ऑक्साइड के थ्रू भी एक्ट होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के थ्रू भी एक्ट होते हैं। तो ये दो टाइप के ऑक्साइड्स हैं, जो कि एक होता है मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड की तरह भी एक्ट होंगे, दैट इज दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, जो ना कि एसिड्स बनाते हैं ना बेस बनाते हैं, ना ही एसिडिक बोल के रिएक्ट होंगे और ना ही बेसिक एज अ बेसिक रिएक्ट होंगे। तो ये होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड आता है, बट आपको क्या पूछा है इसने, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स सिंगल ऑक्सीजन वाला, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स के अंदर। ठीक है, सो रिमेम्बर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो वाटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब जो है न्यूट्रल ऑक्साइड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ओके। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं अपन, Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में गिना जाता है। ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटालॉइड। आपको पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट जो है मेटालॉइड है, मीन्स मेटालॉइड्स मीन्स मेटल बोल के भी एक्ट करेगा और नॉन मेटल के थ्रू भी एक्ट करेगा। तो पीरियडिक टेबल में ये मेटालॉइड जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको बेरिलियम, सेकेंड ऑप्शन दिया है बेरियम, थर्ड ऑप्शन दिया है बोरॉन, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है बिस्मत। एंटीमनी और बिस्मत जो होता है ना वहां पे है ये। अभी देखते हैं, मैं आपको सिंपली एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से प्रायोगिक टेबल में ये एलिमेंट्स रखे जाते हैं। इसके पहले अपन ने बहुत बार चेक भी किया है इसको। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन वगैरह है ये अल्कली मेटल्स हैं, बेरिलियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल, और बेरिलियम भी इसी का ग्रुप है। तो ठीक है, मैं जितने एलिमेंट दिए उतने लेता हूँ, सिर्फ बेरियम यहाँ पे और बेरिलियम यहाँ पर है, बेरियम यहाँ पर है, बोरॉन यहाँ पर आता है, और जो बिस्मत है वो एंटीमनी बिस्मत वो इधर आता है नीचे। ठीक है, अभी आपको पूछ रहा है कौन सा एन साइड में है, वो सारे के सारे क्या है मेटल्स हैं इस तरह से। अब नॉन मेटल शुरू होते हैं यहाँ से, इस तरह से जिगजैग लाइन है उनकी। ठीक है, जैसे कि बोरॉन है यहाँ पे, सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, तो डिसीजन एंटीमनी है। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट जो है ना ये सब होते हैं मेटेलॉइड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है बोरॉन, बोरॉन जो कि एक मेटेलॉइड है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी बोरॉन। बाकी बेरिलियम, बेरियम, बिस्मत, बिस्मत तो नॉन मेटल में जाएगा और ये स्टार्टिंग के दो जो है वो मेटल्स में जाएंगे। सो करेक्ट आंसर मेटेलॉइड का आएगा, बोरॉन इज अ मेटेलॉइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द मेटल विच इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। कौन सा मेटल है जो सॉफ्ट होता है एंड कैन बी कट विथ नाइफ। देखो अपन जनरली क्या स्टडी करते हैं, मेटल्स आर हार्ड, बट पूछ रहा है ऐसा कौन सा मेटल है। आपको ज्यादातर क्वेश्चन ना जो एक्सेप्शन होते हैं उसी के ऊपर आते हैं, क्योंकि उनको पता है ये स्टूडेंट ज्यादा याद नहीं रखेंगे और इसी के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज जिंक, जिंक का सिंबल होता है Zn, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज कैल्शियम और ये सोडियम। पूछ रहा है ऐसा कौन सा मेटल है जो इतना सॉफ्ट है जो नाइफ के थ्रू भी कट होता है। तो याद रखिए ऐसे दो है सिर्फ, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो जो है बहुत सॉफ्ट है। तो ऑप्शन आपका आएगा डी, दैट इज सोडियम इज अ वेरी सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विथ अ नाइफ। इजी क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ एयर। मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ एयर, ऐसा कौन सा मेटल है जो एयर के साथ रिएक्ट नहीं होता है। द फर्स्ट सिंबल इज एलिमेंट इज सोडियम, देन कैल्शियम, थर्ड वन गोल्ड दैट इज Au, एंड द लास्ट वन मर्क्यूरी दैट इज HG।
अब देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ अपन फिर से एक नहीं, जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, रिएक्टिविटी सीरीज की अगर बात करेंगे अपन, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखे ना प्रॉपरली जो अपन ने लिखी है रिएक्टिविटी सीरीज में, ध्यान से देखिए, ये जो पोटेशियम है ना, जो ऊपर वाले हैं वो मोस्ट रिएक्टिव है। अब देखेंगे सोडियम, सोडियम तो ऊपर है, कैल्शियम भी ऊपर है, दो तो नहीं आएंगे। पूछ रहा है जो रिएक्ट ही नहीं होते, ये तो रिएक्ट होते हैं, तो ये दो तो कट गए। अब बचा ये गोल्ड जो कि सबसे नीचे आता है, और ये मर्क्यूरी है यहाँ पे। अब इन दोनों में से भी, ये एक्चुअल में मर्क्यूरी भी रिएक्ट नहीं होगा ज्यादा, बट जो सब रिएक्ट ही नहीं होगा वो सबसे ज्यादा चांस किसका है, गोल्ड का, जो कि गोल्ड जो है एयर के अंदर, एयर के जितने भी गैसेस है ना उनके साथ रिएक्ट नहीं होता। इसलिए तो बोलते हैं ना कि गोल्ड जो है उसका, गोल्ड का करोजन भी नहीं होता है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता है वो। सो गोल्ड का करोजन या रस्टिंग इस तरह से होता भी नहीं है। तो मेटल विच इज डज नॉट रिएक्ट विथ एयर इज द गोल्ड, जो रिएक्शन ही नहीं देता, दे हैव नो रिएक्शन विथ एयर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपको पूछ रहा है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज सिल्वर Ag, सेकेंड ऑप्शन इज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसका, सिल्वर, देन सेकेंड ऑप्शन कॉपर, ये आपको याद होगा, थर्ड एल्यूमिनियम एंड फोर्थ आयरन। तो भी याद रखना जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर है वो आता है सिल्वर, Ag, दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पूछ रहा है ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड में होता है एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन दिए हैं आपको, क्लोरीन सेकेंड वन, फ्लोरीन थर्ड वन, ब्रोमीन एंड लास्ट वन आयोडीन। ये चारों के चारों नॉन मेटल हैं, बट ये चारों में से ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ब्रोमीन। मैंने आपको अभी डिफरेंस के इस बीच में बताया था कि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सब ये एक तो गैसीय स्टेट में होंगे या फिर सॉलिड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द नॉन मेटल विच इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स विच आर यूज इन द एग्रीकल्चर्स। तो कौन सा वाला है, तो वो पूछ रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोरीन, सेकेंड ऑप्शन इज सल्फर, थर्ड ऑप्शन इज फॉस्फरस एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबो। सो द फर्टिलाइजर विच इज द नॉन मेटल विच इज यूज इन द फर्टिलाइजर इज द फॉस्फरस। जैसे कि अपन बोलते हैं ना NPK जो होता है, तो उसके अंदर ये जो फॉस्फरस एलिमेंट है वो ज्यादा यूज होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, सो द फॉस्फरस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स ऑकर्स एज अ सॉलिड, कौन से नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड के फॉर्म में ऑकर होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन देखो इस तरह से नॉन मेटल पर ही है, नॉन मेटल विच आर फाउंड सॉलिड स्टेट। तो ऐसे कौन से वाले हैं, फर्स्ट इज सल्फर, सेकेंड इज कार्बन, थर्ड ऑप्शन इज आयोडीन एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबोव। क्या लगता है, अभी मैंने बोला था सल्फर भी जो है, कार्बन जो है, ये सब आयोडीन भी जो है, जो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज। लिक्विड स्टेट में आएगा सिर्फ ब्रोमीन, ठीक है, और बाकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब जो है वो गैसियस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स ऑकर्स एज अ गैस, पूछ रहा है अभी, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है विच ऑकर्स एज गैस फॉर्म। ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन इज क्लोरीन, थर्ड बोथ ए एंड बी एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दी अबो।
तो याद रखिए नॉन मेटल जो है ये दोनों भी जो है गैसियस फॉर्म में दिखेंगे आपको. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी देखो वापस से नॉन मेटल के ऊपर ही क्वेश्चन है, कौन सा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पूछ रहा है गुड वाला कौन सा है. ऑप्शंस आर ब्रोमीन, सेकंड ऑप्शन इज क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन इज सल्फर एंड लास्ट ऑप्शन इज ग्रेफाइट. अब ये ग्रेफाइट क्या है पहले ये समझाता हूँ. ग्रेफाइट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन. क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन. कार्बन का एलोट्रोप है मतलब कार्बन के एक बाय प्रोडक्ट है, कार्बन से ही बाय प्रोडक्ट है. अब कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं जनरली दो टाइप के, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन और दूसरे होते हैं एमोरफस. ये दो कार्बन के एलेट्रॉप्स हैं. अब क्रिस्टलाइन जो एमोरफस, क्रिस्टलाइन मतलब जिनका जो है एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि अगर अपन बात करेंगे सपोज शुगर का पार्टिकल अगर देखेंगे ना, तो शुगर का पार्टिकल जो है उसका जो है एक फिक्स स्ट्रक्चर है, स्क्वेयर बॉक्स है ना, क्यूब टाइप. उसी तरह इन कार्बन के जो क्रिस्टलाइन एलेट्रॉप्स होते हैं इनके अंदर उस एलेट्रॉप्स का जो है एक डेफिनाइट ज्योमेट्री होती है, डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन एलेट्रॉप्स बोलते हैं. अब क्रिस्टलाइन में अगेन देयर आर थ्री कंपाउंड्स जो इसके एलेट्रॉप्स हैं. पहला तो आएगा डायमंड, ये क्रिस्टलाइन है उसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है. दूसरा आता है इसके अंदर ग्रेफाइट, ठीक है, और तीसरा आ गया इसके अंदर फुलिरिन जो कि 60 कार्बन का होता है, इसको बोलते हैं फुलिरिन. ये तीन एलेट्रॉप हैं कार्बन के जो कि क्रिस्टलाइन होते हैं, इन तीनों का एक फिक्स डेफिनाइट स्ट्रक्चर है. तो ये जो ग्राफाइट ऑप्शन दिया ना वो यहाँ से आया है. ग्राफाइट जो है इनडायरेक्टली कार्बन से बना होता है, तो ये एक नॉन मेटल ही है, बट कार्बन का ये जो एलेट्रॉप है ना ग्राफाइट, ये ग्राफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. इवन कार्बन इज ए नॉन मेटल बट दिस ग्राफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ग्राफाइट. सो द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर इज ग्राफाइट. इस तरह से इसका आंसर आएगा ग्रेफाइट. और एमोरफस की अगर बात करेंगे, एमोरफस मीन्स पाउडर फॉर्म में होते हैं, उनको बोलते हैं एमोरफस. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखो अगेन नॉन मेटल के ऊपर आ गया, ये वाला हो गया शायद अभी. हाँ ये हो गया ग्रेफाइट. नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज. ऑप्शन नंबर 1 बेसिक ऑक्साइड, ऑक्साइड्स के ऊपर क्वेश्चन आया है जो कि अपन ने अभी सीखा है इसके पहले ही. एसिडिक ऑक्साइड नंबर सी, न्यूट्रल ऑक्साइड एंड नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज क्या आएगा फिर. ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो देखो और एक बार रिएक्शन करके देखते हैं अपन. मैग्नीशियम रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड पे अगर मैं वाटर डालूंगा तो क्या होगा, Mg प्लस प्लस ओ माइनस माइनस. यहाँ पे वाटर पे दो मॉलिक्यूल लगेंगे, 2H+, 2OH माइनस. Mg किसके पास जाएगा, निगेटिव वाले OH माइनस के पास जाएगा, और क्या बनाएगा, MgOH टेकन, जो कि इनडायरेक्टली क्या है, एक बेस है. मतलब मैग्नीशियम के ऑक्साइड इनडायरेक्टली क्या बनाते हैं, बेसिक बेस कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड. सो द करेक्ट आंसर विल बी बेसिक ऑक्साइड. इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं. ये जो मेन मेन पॉइंट्स है ना वो मैंने आपको इसलिए पहले समझा दिया ताकि आपको आगे क्वेश्चन आएंगे तो इजी जाएंगे, आप खुद भी उसके आंसर्स निकाल सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल मेटल. पूछ रहा है कौन सा नोबल, मतलब एक आइडियल मेटल है जो खराब नहीं होता, जो ज्यादा रिएक्शंस देता नहीं है, वो किसी एयर के साथ वगैरह नॉर्मली रिएक्ट नहीं होता. ठीक है, वन इज कॉपर, सेकेंड वन इज आयरन, थर्ड वन इज गोल्ड एंड लास्ट वन इज एल्यूमिनियम. तो जो नोबल मेटल बोलते हैं ना वो होते हैं गोल्ड, इस तरह के मर्क्यूरी. तो अरे आंसर आएगा यहाँ पे करेक्ट वाला गोल्ड आएगा. क्वेश्चन नंबर 20, विच मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. पूछ रहा है विच मेटल विल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl
टू गिव हाइड्रोजन गैस। आपको ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर वन जिंक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर टू कॉपर, देन ऑप्शन नंबर थ्री मर्क्यूरी दैट इज HG, एंड ऑप्शन नंबर फोर प्लेटिनम दैट इज प्लीटी। पूछ रहा है कौन सा मेटल है जो रिएक्ट होगा और क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। ठीक है, अब चारों में सबसे ज्यादा देखो HCl के साथ मेटल्स रिएक्ट होते हैं, और अगर बात करेंगे रिएक्टिविटी सिर्फ अपने सामने ही है। देखो जिंक को अगर देखेंगे ना अपन, तो जिंक कहाँ है, जिंक ये रहा आपका, ठीक है, दिस इज द जिंक। अब इसके बाद अगर देखेंगे कॉपर, तो कॉपर तो नीचे है जो कि नो रिएक्शन में होगा, मर्क्यूरी भी नीचे है, और प्लेटिनम की बात करेंगे तो प्लेटिनम भी यहीं पर है। तो इन चारों में सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव क्या है, जिंक ही है। अगर अपन लेंगे जिंक को इस तरह से, जिंक विल रिएक्ट विथ HCl, दो मॉलिक्यूल लेंगे HCl के, क्यों बताता हूँ। देखो जिंक जो है हमेशा रिएक्शन के अंदर डाई पॉजिटिव आयन दिखाता है, सो Zn डाई पॉजिटिव होता है, और अगर HCl को अपन स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे दो एच प्लस मिलेंगे और दो Cl माइनस। अब एक जिंक के लिए दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसको दो निगेटिव चार्ज वाले लगेंगे। अब एक Cl पे एक ही निगेटिव होता है, इसलिए अपन ने दो Cl लिया है। अब ये जिंक किसके पास जाएगा, Cl के पास जाएगा, मीन्स जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा। फॉर्मूला विल बी ZnCl2, राइट। फॉर्मूला कैसे बना, ये है आपका जिंक और ये Cl, जिंक की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Zn इंटू 1, इसे Zn को अपन ने 1 ही लिया है, Cl इंटू 2 मतलब Cl2। फॉर्मूला ZnCl2 और नाम है इसका जिंक क्लोराइड, प्लस बाहर क्या निकलेगा, H2 गैस, इस से H2 गैस निकलेगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर आएगा आपका जिंक। जिंक विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैन फॉर्म जिंक क्लोराइड, एंड देर इज अ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो इन दिस वे अपने अभी 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अभी जो 20 क्वेश्चंस अपने देखा, उसके अंदर मेनली मैंने आपको बताया कि किस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इसको याद कर लो। जो भी ऊपर की तरफ वाले एलिमेंट्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे नीचे आओगे वो उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस अपने को और बहुत देखने को मिलेंगे। सो रिमेम्बर दिस रिएक्टिविटी सीरीज। देन आफ्टर दिस द मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, जैसे कि मेटल्स की प्रॉपर्टी थी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, इस तरह से प्रॉपर्टीज हैं, इसके ऊपर अपन ने ऑलरेडी क्वेश्चन ले लिया, अभी वो भी कवर हो चुका है। देन आफ्टर दैट एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड के ऊपर भी क्वेश्चन लिए, जो कि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर नॉन मेटल है कोई तो देखना कि उसके अंदर कौन सा एलिमेंट यूज किया है। अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड बोल रहा है तो नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिड देते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं अपन, एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। और अगर मेटल है तो मेटल हमेशा मेटल ऑक्साइड जब बनाएगा तो वो एंड में क्या देगा आपको, बेस देगा, इसलिए उसको बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, ये याद रखो। बाकी कुछ एक्सेप्शन के ऊपर देखा अपन ने, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नॉन मेटल्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि नॉन मेटल में जो है ज्यादा एक्सेप्शन अपने को देखने को मिलते हैं, इसलिए नॉन मेटल के बारे में ज्यादा याद कर लो, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी तो आज के लिए अपन इतने 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अभी अगले वीडियो लेक्चर में और ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। जितना मैं ले रहा हूँ उतना आप पहले अच्छे से ध्यान से कवर कर लो, इसके नोट्स रनिंग नोट्स ले लो, ताकि आपको बाद में स्टडी करने के लिए भी आसानी हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस अपन करेंगे उतना एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका जो चांस है वो बढ़ जाएगा, आपकी जो एश्योरेंस एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। सो बी विथ द वाई अकेडमी, और रेगुलर लेक्चर्स जो है अपडेट हो रहे हैं तो उसको देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, आपका रिजल्ट जरूर ही जरूर आएगा। शाहू की स्क्रीनिंग टेस्ट जो है अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।